नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मतकोट में रामलावांचन जारी है। रामला देखने को लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। रामला के दौरान बीती रात सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। रामला में मुख्य अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष देवेंद्र धामी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रामला में राम के पात्र में दीपक उप्रेती, लक्ष्मण हेम, सीता, वर्खा, परशुराम, अनिल राजभट्ट अभिनय कर रहे हैं। मंच संचालन नरेश करतवाल द्वारा किया गया। रामला कमेटी के अध्यक्ष ललित मेहता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आनंद धामी, केदार सिंह पांगती सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल शिविर के तीसरे दिन 17 वर्ष से कम आयु बालिका वर्ग का फाइनल ट्रायल संपन्न हो गया। ट्रायल के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ ही आगामी राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर फुटबॉल कोच भूपेंद्र चौहान, पंकज रावत, नितिन उप्रेती, प्रहलाद चुफाल, बंसीधर जोशी, कमल कुमार, सुमन डसीला और कमला बोरा उपस्थित थे। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राज्य स्तरीय 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में पिथौरागढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पौड़ी की टीम को टाई ब्रेकर में 4-3 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया, जिला शिक्षा अधिकारी हवलदार प्रसाद, जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह डिगारी व व्यायाम शिक्षिकाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों सहित कोच मनोज वर्मा व राजेश धामी को शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया NUJI की वार्षिक बैठक संपन्न हो गई। सूचना विभाग सभागार में डॉक्टर नरेश कांडपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर कांडपाल ने वर्तमान में जनपक्षी नीतियों में निष्पक्ष होकर कार्य करने को आवश्यक बताया। कहा कि जिससे आम जनता का विश्वास बना रहेगा तथा सरकार और जनता के मध्य संवाद को भी कायम रखना होगा। जिलाध्यक्ष सुशील खत्री ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कहा कि पत्रकार यूनियन की मजबूती के लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इससे पूर्व सराहनीय कार्यों को लेकर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर NUJI के कई पत्रकार उपस्थित थे। सीमांत जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार नाबालिग वाहन चालकों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत थानाध्यक्ष बेरीनाग हेमचंद्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 2 नाबालिगों को वाहन चलाते पकड़ा गया, जिस पर टीम द्वारा वाहनों को सीज करते हुए नाबालिकाओं के अभिभावकों को भविष्य में नाबालिकाओं को वाहन न देने के लिए कहा गया और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उप निरीक्षक मनोज पांडे चौकोड़ी द्वारा चेकिंग के दौरान चालक दीपक कुमार भट्टीगांव को शराब पीकर वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जिले भर में अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 86 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर 4 वाहन सीज किए गए। मिशन मर्यादा अभियान के तहत 22 लोगों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की गई। एक युवक की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके व्यक्तिगत फोटो वायरल करने वाली युवती के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 41 का CRPC का नोटिस तामील कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां नगर के लिंडोड़ा निवासी एक युवक ने कोतवाली में तहरीर दी कि किसी अज्ञान व्यक्ति द्वारा उसकी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पर्सनल फोटोग्राफ वायरल की जा रही हैं, जिससे उसकी छवि खराब हो रही है और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली में धारा 66C IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहन चंद्र पांडे द्वारा की जा रही विवेचना के दौरान प्रकाश में आई आरोपिता को बीते दिवस धारा 41 का CRPC का नोटिस तामील कराया गया। साथ ही पुलिस द्वारा मामले में प्रयुक्त मोबाइल को भी कब्जे में लिया गया। आरोपिता को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले के इनामी आरोपियों को पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिसंबर माह में कुमार निवासी होशियार सिंह द्वारा यहां कोतवाली में तहरीर देकर बताया गया कि द रॉयल पैंथर कंपनी में अधिक मुनाफे की बात पर उनके साथ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। तहरीर के आधार पर पिथौरागढ़ कोतवाली में IPC की धारा 420, 506, 120B में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा मामले के एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 2 अन्य आरोपी मुकेश पुनेठा और दिगंबर पुनेठा निवासी सिलपाटा प्रकाश में आए। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और SOG की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा साइबर और सर्विस लांस सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन पता करते हुए लगातार प्रयास जारी थे। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए विभिन्न शहरों में जाकर ठिकाने बदल रहे थे।
बीते दिवस साइबर सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों भूपेश पुनेठा और दिगंबर पुनेठा को पिथौरागढ़ लासगर रोड से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग मामलों में लगभग 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मुकदमे पंजीकृत हैं और दोनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक बसंत पंत, शंकर सिंह, प्रियंका इजराल, कांस्टेबल गंगा सिंह, गौरव सिंह, ध्रुव सिंह, गोविंद सिंह, अशोक बुदियाल, कमल तुलेरा, मनोज कुमार, विपिन ओली व गीता पवार शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।